बच्चों आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट होगा एयर के, उस पे एयर जो हवा होती है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, मतलब हवा स्पेस घेरती है, जगह घेरती है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, बीकर है और ये हमने रुमाल लिया, देखो बिल्कुल सूखा है ना, हाथ लगाओ, सूखा है बिल्कुल। अब मैं इसके ग्लास के अंदर इसको डाल दूं और ये देखो जग है, जग में हमने पानी भरा है, देखो पानी आगे बोलिए, ये देखिए जग में हमने पानी भरा हुआ है। अब ये बीकर रुमाल डाल के मैं जग के अंदर नीचे तक डालूंगा तो क्या ये रुमाल गीला होगा सूखा रहेगा? गीला होगा पक्का, सूखा रहेगा। चलो अभी कन्फ्यूजन दूर करते हैं, आज मैं आपको विज्ञान के चमत्कार के बारे में बताऊंगा, साइंस का मैजिक है। अब मैं इसको बीकर के अंदर रुमाल डाल दिया, अब इसको मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ। देखो मैं पानी के अंदर डाल दिया पूरा, बड़ा डाल दो पानी के अंदर, बाहर निकाल के चेक करें। अब बताइए रुमाल गीला है सूखा है? सूखा पड़ा है, देखो सूखा, देखो सूखा क्यों है। देखो अब मैंने इसको रुमाल के इसके अंदर डाल दिया, ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर पहले से ही हवा भरी हुई थी, हवा अपने स्पेस घेरती है, तो जैसे ही ग्लास पानी में गया तो हवा ने पानी को अंदर नहीं आने दिया क्योंकि हवा ने पहले ही स्पेस घेरा हुआ था, तो इसलिए ये अंदर का एरिया सूखा रहा, ग्लास सूखा रहा। इसमें ही दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है, अगर मैं इसको थोड़ा तीसरा डालता हूँ, अगर ये मैंने सीधा डाला था ना, अगर मैं इसको थोड़ा तीसरा डालता हूँ तो हवा बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगी और पानी इसमें अंदर चला जाएगा। हमने सीधा डाला, सीधा के लिए हवा को बाहर आने का रास्ता नहीं मिला और पानी अंदर नहीं जा पाया, और अब हम तीसरा डालेंगे, तीसरा डालने से हवा बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगी और पानी अंदर जाएगा। अब देखो आपको रुमाल थोड़ा गीला मिलेगा, मैं डालता हूँ उसको तीसरा, देखिए अब की बार आपको रुमाल गीला मिलेगा, गीला ना रुमाल थोड़ा सा। तो यही होता है कि हवा अपना स्पेस घेरती है और अगर हवा को बबल्स निकलने का स्पेस मिल जाता है तो वो गीला हो जाएगा।